हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री अवी। ओके स्टूडेंट, सो आज के लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? फ्राइस रीअरेंजमेंट। ओके, यहाँ पे हम लोग क्या क्या करेंगे, क्या है फ्राइस रीअरेंजमेंट, उसका हिस्ट्री देखेंगे, उसका रिएक्शन देखेंगे, मैकेनिज्म देखेंगे एंड एप्लीकेशन देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं, फ्राइस रीअरेंजमेंट है क्या? सो फ्राइस रीअरेंजमेंट है क्या? ये रीअरेंजमेंट रिएक्शन है, ऑर्गेनिक रिएक्शन है, जिसके अंदर कन्वर्ट क्या होता है, फिनाइल ईस्टर कन्वर्ट होता है हम लोग का हाइड्रोक्सी आरआइल कीटोन में। हाइड्रोक्सी आरआइल कीटोन में कन्वर्ट होता है। हम लोग इसके अंदर यूज़ करते हैं लुईस एसिड कैटलिस्ट या फिर ब्रॉन्स्टेड एसिड यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, इसके अंदर माइग्रेशन होगा कहाँ पे? ऑर्थो पे एंड पैरा पोजिशन पे हम लोग का ग्रुप जाके माइग्रेट होगा। ओके, वहाँ पे जाके अटैच हो जाएगा। अब इसके लिए भी टेम्परेचर इफेक्ट करता है और सॉल्वेंट इफेक्ट करता है कि ग्रुप ऑर्थो पे जाएगा या फिर पैरा पे जाएगा। मतलब टेम्परेचर एंड सॉल्वेंट इज मोर इम्पॉर्टेंट। सो अगर लो टेम्परेचर अगर हम लोग ने यूज़ किया तो रिएक्शन हम लोग का पैरा पोजिशन पे होगा, और अगर हम लोग ने हाई टेम्परेचर यूज़ किया तो रिएक्शन ऑर्थो पोजिशन पे होगा। ओके, सो अगर लो टेम्परेचर लेंगे तो प्रोडक्ट बनेगा पैरा, और हाई टेम्परेचर लेंगे तो बनेगा ऑर्थो। ओके, इसका कब बना यह? ये हम लोग का बना 1908 में, जर्मन केमिस्ट ने बनाया फ्राइस रीअरेंजमेंट। कार्ल फ्राइस उनका नाम था, उन्होंने फर्स्ट टाइम रिपोर्ट किया है इसको साइंटिफिक जर्नल में। ओके, जो हम लोग का फ्राइस रीअरेंजमेंट है वो कैसे होता है देखिए। यहाँ पे हम लोग ने यूज़ किया है फिनाइल ईस्टर, इसको हम लोग बोलते हैं ईस्टर, ROC डबल बॉन्ड OR, इतना ग्रुप हम लोग का क्या है, ईस्टर ग्रुप है। इसके अंदर हम लोग यूज़ किए कैटलिस्ट AlCl3 एंड एक्वस HCl। ओके, लुईस एसिड। सो यहाँ पे होगा क्या, ये जो हम लोग का ग्रुप है ये जाके अटैच हो जाएगा ऑर्थो पे या फिर पैरा पोजीशन पे। सो हम लोग का दो प्रोडक्ट मिलेगा, एक ऑर्थो हाइड्रोक्सी अराइल कीटोन या फिर दूसरा मिलेगा पैरा हाइड्रोक्सी अराइल कीटोन। ओके, सो हम लोग का दो प्रोडक्ट बनने वाला है। यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे AlCl3 एंड एक्वस HCl। ओके, मतलब प्रोटॉन भी इसके अंदर हेल्प करेगा रिएक्शन के अंदर। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मैकेनिज्म, स्टार्ट करते तो सबसे पहले होगा क्या, जो हम लोग का ग्रुप है ये फिनाइल ईस्टर, इसके अंदर जो बेंजीन रिंग से ऑक्सीजन अटैच है उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो अटैक करेगा कहाँ पे? एल्यूमिनियम पे अटैक करेगा, AlCl3 के एल्यूमिनियम पे अटैक करेगा और बॉन्ड बनाएगा। तो होगा क्या, एल्यूमिनियम तीन बॉन्ड बनाता है, यहाँ पे चौथा बॉन्ड बनेगा तो एल्यूमिनियम पे आएगा निगेटिव चार्ज। ओके, और इसने अटैच हो गया ऑक्सीजन के साथ, तो ऑक्सीजन दो ही बॉन्ड बनाता है, यहाँ पे बना रहा है तीन, तो इसके लिए ऑक्सीजन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद क्या होगा, इसके अंदर ये जो ऑक्सीजन है हम लोग का यहाँ पे वाला कार्बोनिल ग्रुप वाला, इसके बाद लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये इधर पे जाएगा और ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। ओके, और यहाँ से ये जो है अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा ऑक्सीजन को, मतलब ये ग्रुप अलग हो गया, सेपरेट हो गया, इतना यहाँ से ग्रुप क्या हो गया, सेपरेट हो गया, और ये क्या हुआ, ट्रिपल बॉन्ड के फॉर्म में ऑक्सीजन निकला। अब इसके अंदर क्या होगा हम लोग का, टोटोमेरिज्म होगा, जिससे क्या होगा हम लोग का, ये ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा डबल बॉन्ड में और कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ओके, नाउ अब क्या होगा रिएक्शन के अंदर, नेक्स्ट स्टेप में, सेकेंड स्टेप में जो मेरा ग्रुप निकला था उससे क्या होगा, सबसे पहले ये जो ऑक्सीजन है हम लोग का, अगेन इसके बाद लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा यहाँ पे, जैसा कि आप देख सकते हैं डबल बॉन्ड बनाया। ओके, जैसे ही अटैक करेगा ये डबल बॉन्ड अटैक करेगा हम लोग का ये ग्रुप के ऊपर। ओके, सो ये क्या होगा हम लोग का, यहाँ पे अटैक होने के बाद इससे अटैच हो जाएगा ग्रुप, तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे अटैच हो गया ये ग्रुप। नाउ ये प्रोटॉन यहाँ से निकलेगा और क्या होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बना देगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, प्रोटॉन निकलेगा तो क्या आएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, और ये क्यों होगा, हम लोग का वाटर अटैक करेगा, सो हाइड्रोनियम जो हम लोग का H3O+ है वो यहाँ से निकल जाएगा। ओके, और ये हम लोग का जो डबल बॉन्ड है, जैसे ही ये हाइड्रोजन निकलेगा ये डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल बॉन्ड के अंदर, क्योंकि बेंजीन रिंग में अगर हम लोग ने चार से ज़्यादा बॉन्ड बनाया
तो वो हम लोग का स्टेबल नहीं होता, तो तुरंत क्या होगा, ये ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और इसका इलेक्ट्रॉन वापस मिल जाएगा इसको। ओके, सो ये हम लोग का कंपाउंड बना। अब इसकी ज़रूरत है क्या हम लोग को? नहीं है ऑब्वियसली, तो इसको निकालना है। तो क्या करेंगे लास्ट स्टेप में, हम लोग का ये जो ग्रुप है ये अटैक करेगा किस पे, जो हम लोग का ग्रुप निकला था H3O+, प्रोटॉन, इसका प्रोटॉन आ जाएगा यहाँ पे और ये हो जाएगा हम लोग का OH। ओके, हाइड्रोक्सिल ग्रुप में कन्वर्ट हुआ, ये AlCl3 हम लोग का निकल गया एंड इस पे जैसे अटैक किया वाटर हम लोग का रिमूव हो गया। सो ये था हम लोग का मैकेनिज्म फ्राइस रीअरेंजमेंट का। इसका एप्लीकेशन देखते हैं, तो इसका यूज़ किया जाता है हम लोग का ऑर्थो पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉन बनाने के लिए, जिसका यूज़ करते हैं हम लोग इंटरमीडिएट कंपाउंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। देन इसका हम लोग सिंथेसिस करते हैं ड्रग्स प्रिपरेशन में, एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री में। ओके, देन हम लोग इसका थर्मल इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं एंड एंटीवायरल एजेंट बनाने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। मतलब मेडिकल इंडस्ट्री में इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। सो दिस कंपाउंड इज़ हाईली इंपॉर्टेंट फ्राइस रीअरेंजमेंट। ओके, सो थैंक यू सो मच, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच।